पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में है। राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। चुनावी रणफतेह करने के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को राज्य प्रभारी बनाया है। विजयवर्गीय का मानना है कि ममता बनर्जी ने राज्य में डर का ऐसा माहौल पैदा कर रखा है कि उनके सत्ता में रहने तक निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। पश्चिम बंगाल में नौकरशाही, आपराधिक तत्वों और राजनीतिज्ञों का एक गठजोड़ बन गया है। हत्या कर देते हैं, उसे आत्महत्या में बदल देते हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है। ममता का आदेश ही वहां का कानून है। यह दृश्य बहुत ही डरावना है। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम बुधवार देर रात तक आ गए। इस चुनाव में लेफ्ट पार्टी को 941 ग्राम पंचायतों में से 514 और 14 जिला पंचायतों में से 10 में जीत मिली है। साथ ही 152 ब्लॉक पंचायतों में से 108 पर सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को जीत मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ दूसरे स्थान पर रहा। यूडीएफ को 375 ग्राम पंचायतों, 44 ब्लॉक पंचायतों और 4 जिला पंचायतों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के हिस्से 23 ग्राम पंचायतें ही आई, जबकि ब्लॉक या जिला पंचायत स्तर पर एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है। फेसबुक इंडिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने चाहकर बजरंग दल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं किया था। फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने बुधवार को संसद की एक समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत हो। सूत्रों ने ये जानकारी दी। देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली जेईई मेन परीक्षा साल 2021 में 4 बार होगी। यह परीक्षा फरवरी से मई तक आयोजित की जाएगी। इन चारों महीनों में देश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जेईई मेन परीक्षा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को बताया कि जेईई मेन परीक्षा साल में 4 बार आयोजित होगी। पहले सत्र में इसका आयोजन 23 से 26 फरवरी साल 2021 तक होगा। जितने सुझाव मिले हैं वो जेई एडवांस परीक्षा के लिए जो अर्हता निर्धारित करेगी उसमें ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेई की परीक्षाएं होंगी ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे और जो पहला सत्र होगा, जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी ये परीक्षाएं जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है, वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई की परीक्षा होगी।
भारत में लगातार चौथे दिन 30,000 से कम कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24,010 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 355 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। अच्छी बात ये है कि बीते दिन 23,291 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। यहां लगातार 18 दिनों से 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। 10 दिनों में 5वीं बार 30,000 से कम केसेस दर्ज किए गए हैं।